तीन नाम गिनाए, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद। ये अब ये भारतीय जनता पार्टी के टैलेंट पूल में शामिल हो गए। जितिन प्रसाद क्या कहते थे, योगी जी ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया तुमने उत्तर प्रदेश में, पूरा संगठन बना रखा था प्रतीक त्रिवेदी जी। किसे प्रभावित हुए, तो सत्ता की लोलुपता थी जो उनको खींच कर ले गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे पार्टी तोड़ने के जस्ट पहले कि शिवराज तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। इस विचारधारा को आत्मसात कर लिया, किसानों के खून से रंगे हुए हाथ के साथ आपने हाथ मिला लिया सिंधिया जी। आरपीएन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ सुनिए ना, मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब 49,000 जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में योगी जी तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में हो रहे हैं। योगी जी 7,997 हत्याएं हो रही है जो उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 12,000 अपहरण प्रत्येक वर्ष हो रहे हैं, योगी जी सबसे ज्यादा है। इनके पास कुछ भी नहीं है विचारधारा के नाम पर भारतीय जनता। शांतनु 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 क्विक रिस्पॉन्स, चुनाव में क्या बताते हैं, गजवाए हिंद, चुनाव में क्या बताते हैं जिन्ना, अब तो आरएसएस के छोटी सी बात कहूंगा जिन्ना की तस्वीर राइट सर, राइट सर, अब तो मैं आया, मैं आया, अबे आया। संघ ने अपने कार्यक्रम जब कोई राजनेता पार्टी होता है तो उसकी विचारधारा को मुखर करता है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पटल से बोला तो वो उनकी विचारधारा, मैं आया अबे अबे बिल्कुल अबे आप बिल्कुल बात उठा रहे हैं, मैं उस बात पे सुन लिया, मैंने बिल्कुल सुना है, मुझे बिल्कुल सुना है। शाजिया रिस्पॉन्ड करेंगी, मैंने अबे लास्ट सेंटेंस सुना है, अबे बता दूं एक मिनट, अबे डिबेट में, अबे डिबेट में अगर आप कुछ अनसुना करते हैं तो गलत माना जाता है। मैंने आपका लास्ट सेंटेंस सुना है और शाजिया ने भी सुना है, पहले भी बोला था आपने, अभी भी बोला, शाजिया जवाब देंगी। लेकिन शांतनु कुछ कहना चाहते हैं जी, बस मैं छोटा छोटा सा रिस्पांस दूंगा। जब भी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बोलते हैं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति बोलता है, तो पार्टी की विचारधारा को मुखर करता है। उसको आज कोट करके डिबेट में लाने से मेरे ख्याल से कोई सार्थक डिबेट नहीं कर पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेन प्रसाद, आरपीएन सिंह ने अपने समय में, उस समय में जो पार्टी ने उनको कहा, ये बोलने में अच्छे थे, बड़े नेता थे, उनसे बोलना, लेकिन वो सोनिया गांधी की विचारधारा है, वो राहुल गांधी की विचारधारा है। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी को खतरा लगने लगे कि ये तो ज्यादा स्मार्ट है, अगर ये ज्यादा चलते हैं तो राहुल गांधी कैसे संगठन बनाया था। जो भी व्यक्ति राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को चैलेंज दे सकता है, उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है दूध में मक्खी की तरह। लेकिन देखिए देखिए देखिए, मैं अबे इस बात पे शांतनु की इस बात पे मैं इसलिए हामी भरता हूँ क्योंकि आप जब दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कुछ तो आप हमेशा तुरंत कहते थे ये दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का नहीं है, तब तो आप तुरंत अलग करते। लेकिन उसमें इस जब वो बोल रहे थे तब आपने ये नहीं कहा था, इसलिए इस बात का, शांतनु की बात का मैं यहाँ पे हामी भरता हूँ। जी नहीं, जितिन प्रसाद का कोई कांग्रेस का संगठन नहीं था, उन्होंने ब्राह्मणों का अपना व्यक्तिगत संगठन बनाया था। उस ब्राह्मण संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं प्रतीक त्रिवेदी जी। मुझे बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, तो क्या कहा था उन्होंने कि अपना निजी हित साधने के लिए कुछ लोग आ गए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। मुरली मनोहर जोशी से पूछा कि कितने नंबर देंगे आप आपके प्रधानमंत्री जी का जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा जो विद्यार्थी कुछ लिखता है शाजिया जवाब देंगी, छोड़ दे उसको, शाजिया इसका जवाब देंगी, और शाजिया बिल्कुल जवाब देंगी, शाजिया जवाब देंगे। लेकिन मैं ये यही जानना चाहता हूँ कि सफाई है पार्टी में हो रही है, मैं मुद्दा वही है पुराना जहां से मैं शुरू की थी डिबेट। जी शाजिया, इतने परेशान हो गए हैं जो इनके हालात हैं आज के दौर में और इनके घर में जो जो चल रहा है, और इतने ज्यादा बेचारे परेशान हैं कि ढूंढ ढूंढ कर बेचारे अध्ययन कर रहे हैं क्या कुछ ये बोल सकते हैं, और उनको उनको यकीन नहीं आ रहा है, पर खच्चे उड़े हुए हैं इनके घर में और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेचारे ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ उठा उठा के कुछ कर रहे हैं और चाह रहे हैं मैं जवाब दूं। आप जवाब दीजिए, आप अपने ही आपके जो घर के सदस्य हैं उनके जो 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 इतनी जो जिल्लत महसूस करते हैं, जिनको बाकायदा इतनी बेअदबी से ट्रीट किया गया, बदसलूकी जिनके साथ हुई है कई बार, जो आप ही के लोग जो उनके घर में जाकर उन पर अंडे और टमाटर फेंकते हैं, आप बताइए उनके बारे में, उनके बारे में क्या राय है। और यहाँ पे जो कुछ भी हमारे घर में हुआ है वो सब ठीक हुआ और वो सब साथ साथ कई बार अनेकों बार दिखाई दिए। देखिए मैं बताऊं, अभय जी, बहुत सीधी सी बात, आप अडवाणी जी की बात कर रहे थे, इस्तीफा लेना था तो संगठन के आदमी ने गया, बढ़ा आगे और इस्तीफा ले लिया, ठीक है। वो घटना बहुत दिनों तक चलती रही, परिफेरी पे बहस होती रही, बहुत सारी डिबेट होती रही, ले लिया इस्तीफा, था सही था गलत था क्या था वो अन्यथा बात है, लेकिन पार्टी के अंदर डिसिप्लिन और संगठन कैसे होता ये उन्होंने बता दिया
कि देखिए साहब हमारा ये हम नहीं मानते, बात उन्होंने कही। अब सवाल ये है, नहीं 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 नहीं, हम ये बात अब सवाल रखते हैं, आपने सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया, अब एक सवाल मैं यहां रखता हूं, इस वाक्य को आप ले पाएंगे या नहीं जो आप ही के पार्टी के अंदर एक आदमी उठाता है, सोनिया के बाद सही आदमी ने पार्टी नहीं संभाली, इसका जवाब। देखिए प्रतीक जी, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे, विश्वास मानिए पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की आज भी ये भावना है कि राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष हों, वो नेतृत्व को स्वीकार करें, और वो दृढ़ता से, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं देश की। परखच्चे उड़ाने की बात जो अभी शाजिया जी कर रही थी ना, इस देश के नौजवानों के रोजगार के परखच्चे मोदी जी ने उड़ा दिए, इस देश के संसाधन एक के बाद एक 5,35,000 करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान से भागे नीरव भाई, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, अग्रवाल बंधु, सब पर सत्ता की सरपरस्ती का हाथ रहा है, उसकी लड़ाई राहुल गांधी अकेला लड़ रहा है, दृढ़ता से लड़ रहा है, कोई प्रतिपक्षी नेता ने कि वो ये सारी लड़ाई लड़ पाए। आज भारतीय जनता पार्टी, अभय जी, मैं प्रेम जी, मैं आपके पास आता हूँ, प्रेम जी, अभय जी।